नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यदि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में तो आपका बैंक किस क्षेत्र में है, अर्थात किस एरिया में, अर्बन एरिया में है या फिर रूरल एरिया में या फिर मेट्रो सिटी में, आप यह कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, सेम सवाल किसी भाई ने कमेंट बॉक्स में कमेंट के पूछा। चलिए पहले आपको वो कमेंट हम दिखाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम इससे पहले एक वीडियो बनाए थे केनरा बैंक न्यू सर्विस चार्ज 2023, अर्थात केनरा बैंक ने अपने कस्टमर के लिए न्यू सर्विस चार्ज लॉन्च की थी। हम उसी के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे कि अर्बन के लिए अलग चार्जेस है, रूरल के लिए अलग चार्जेस है, सीमी अर्बन के लिए अलग चार्जेस है। तो किसी भाई ने कमेंट बॉक्स में कमेंट के पूछा, देखिए उनका नाम है सूर्या अम्बोनो, बोल रहे हैं कि भाई कैसे पता करें कि रूरल है या फिर अर्बन है, मेट्रो कैसे चेक करें, अर्थात बैंक अकाउंट किस एरिया में है, अर्बन में है या फिर मेट्रो में या फिर रूरल में या फिर सीमी अर्बन में, तो कैसे पता करें। चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यदि आपको भी पता नहीं कि आपका ब्रांच किस एरिया में, आप पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगेगा, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। इसके लिए क्या करना, तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले आना होगा। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको सर्च करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगा, फिर आपको उस वेबसाइट को ओपन करना होगा या फिर आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ए सेंट्रल वेयर बैंक ब्रांच इज लोकेट इज क्लासिफाइड इधर इंट्रू रूलर सीमी अर्बन अर्बन एंड मेट्रो पॉपुलेशन एज अंडर, अर्थात ये कह रहा है कि आपका ब्रांच जो डिसाइड किया जाएगा वो पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के हिसाब से, कि आपका जनसंख्या क्या है आपके एरिया का, उस हिसाब से आपका ब्रांच होगा, रूलर होगा अर्बन होगा। तो कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इधर चलना होगा। देखिए आपको लिखा हुआ देखने लगेगा, रूलर ब्रांच के लिए जो पॉपुलेशन होना चाहिए वो 10,000, अर्थात यदि आपका ब्रांच उस एरिए में जहाँ की आपकी जनसंख्या 10,000 है, आपका ब्रांच रूलर है। आप कैसे पता लगाएं कि मेरे एरिया में कितनी जनसंख्या, आपको ये भी हम बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। उसके बाद देखिए आपको और पढ़ने को मिल जाएगा कि सीमी अर्बन, यदि आपके एरिया में 10,000 से 1,00,000 के बीच की जनसंख्या है, आपका वो सीमी अर्बन में कहलाएगा आपका बैंक का ब्रांच। उसके बाद देखिए यदि आपके एरिया की जनसंख्या 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में होगा, तो फिर आपका वो अर्बन ब्रांच कहलाएगा। यदि 10,00,000 से ज़्यादा या फिर 10,00,000 तक आपकी एरिया की जनसंख्या हो, तो वो मेट्रो सिटी के अंदर में आ जाएगा। आप यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखवा देखने मिलेगा, अर्थात 10,000 जनसंख्या वाले एरिए को रूरल एरिया कहते हैं, उसके बाद 10,000 से 1,00,000 के बीच की जनसंख्या को सीमी अर्बन जनसंख्या कहते हैं, और 1,00,000 से 10,00,000 के बीच की जनसंख्या को अर्बन एरिया कहा जाता है, उसके बाद 10,00,000 या फिर उससे ज़्यादा की जनसंख्या को मेट्रो सिटी कहा जाता है। आप इस प्रकार से आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा। आप बात करें कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया की क्या जनसंख्या है, अर्थात कितनी जनसंख्या है, चलिए आप इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना हो या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आपको अपने एरिया का नाम, स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के सर्च करने के बाद आपको सर्च करूँगा पॉपुलेशन। आप यहाँ देख पाएंगे जैसे कि हम तारापुर एरिया में रहते हैं, तो हम यहाँ सर्च कर लिए तारापुर बिहार पॉपुलेशन। आप भी अपने एरिया का नाम सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके एरिया का नाम होगा अर्थात जहाँ भी आपका बैंक का ब्रांच होगा उस जगह का नाम और अपना स्टेट वगैरह सर्च कर सकते हैं गूगल में। जब सर्च कीजिएगा उसके बाद नीचे में देखिए आपको एरिया का जो भी पॉपुलेशन होगा वो नीचे देखने को मिलेगा, आपको सर्च करना होगा पॉपुलेशन भी। आप देखो हम सर्च किए हुए, उसके जब सर्च कीजिएगा देखिए नीचे में आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगा, आप इस वेबसाइट पर आके रीड कर सकते हैं आपको क्या जनसंख्या देखने के लिए मिल रहा है आपके एरिया का। जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ हम स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ देखने मिलेगा, देखिए बोल रहा है तारापुर पॉपुलेशन रिलीजन कास्ट वर्किंग डाटा मुंगेर, अर्थात मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो मुंगेर पड़ता है, स्टेट बिहार पड़ता है और हम तारापुर एरिया में रह रहे हैं। उसका क्या ब्यौरा है, अर्थात यहाँ ही मेरे बैंक का ब्रांच है, सारे बैंक मेरे एरिया में, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सारे ब्रांच है। तो आपको एरिया में जो भी ब्रांच होगा अब आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैं सर नीचे चलेगा, जब आप नीचे गए तो यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर सारा डिटेल लिखा हुआ देखने मिलेगा। देखिए बोला है तारापुर टाउन पॉपुलेशन 2011 से 2023 के बीच की क्या जनसंख्या रह सकती है या फिर क्या रही होगी। आपको नीचे आने के बाद पूरा डिटेल में लिखा हुआ देखने मिलेगा। देखिए आपको अपने एरिया का नाम अर्थात तारापुर पॉपुलेशन रिलीजन डाटा आपको लिखा हुआ देखने मिलेगा। हिंदू की जनसंख्या 85% है और मुस्लिम की जनसंख्या 12.94% है। आप इस प्रकार से अपना डाटा चेक कर सकते हैं। बात के लिए जनसंख्या की, देखिए 2011 में टोटल 7,450 अर्थात टोटल 7,000 के आसपास, 7,500 के आसपास जनसंख्या थी मेरे एरिया की। उसके बाद 23 के अनुसार देखिए ये 10,000 हो चुका है। आप इस प्रकार से अपने डाटा को चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में कितनी आपकी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से आपका ब्रांच
अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रो, आपका जो भी जनसंख्या हो आप अपने जनसंख्या के हिसाब से पता लगा सकते हैं। देखिए ये समय के साथ किस हिसाब से बढ़ रहा है, 31 के बाद इतना तक हो सकता है, उसके बाद 30 में ये इतना तक हो सकता है। आपको कुछ आंकड़ा इस प्रकार से डाटा लिखा हुआ आपके एरिया का देखने के लिए मिल जाएगा गूगल पे। ये जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है तो ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपका यदि अभी फिलहाल अर्बन में सॉरी रूलर में, तो आगे चल के ये सेमी अर्बन अर्बन बन सकता है। तो आप इस प्रकार से अपने एरिया के ब्रांच को पता लगा सकते हैं, मेट्रो में है, अर्बन में, या फिर रूलर में, या फिर सेमी अर्बन में, आप इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।